हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है, जो कि हम डेली करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और ये हमारा टोटल 12 पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है बाकी के पार्ट्स को तो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम लोग MCQ पे आधारित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा ताकि हमारे द्वारा डाली गई डेली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इस वीडियो की जो टाइमिंग है, आपको डेली 9:30 से 10:30 के बीच वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो लेट भी हो सकती है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। देखिए, सबसे पहले आज का प्रश्न आपका इस प्रकार रहेगा कि निम्नलिखित केंद्रीय मंत्री द्वारा गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नितिन गडकरी, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रविशंकर प्रसाद द्वारा ये जो कि गोवा आईटी जो नीति है 2018 को किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रविशंकर प्रसाद, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं जो कि गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण इन्होंने किया है, रविशंकर प्रसाद, तो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न आपका ये बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन 2018 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी पहली बैठक आयोजित करेंगे, यानी कि उन लोगों की पहली बैठक थी किसकी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी और रूसी जो समकक्ष जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनका जो पहली बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो हेलसिंकी में इनकी बैठक हुई। पहली बैठक हेलसिंकी क्या है? तो फिलीपीन जो फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी होती है, यानी कि हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है, यहीं पर इनकी दोनों की पहली बैठक हुई थी। थर्ड प्रश्न देखते हैं। देखिए, थर्ड प्रश्न आपका ये बनता है कि विमंडल पुरुष 2018 एकल पुरुष 2018 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। विमंडल पुरुष 2018 का जो एकल का खिताब है उन्होंने जीता है। और बात करें कि जोकोविच का ये कौन सा खिताब रहा, यानी कि इनके कैरियर का जो विमंडल का ये चौथा पुरुष एकल का खिताब जीता, और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो इन्होंने फाइनल में जो कि दक्षिण अफ्रीका के ये केविन एंडरसन है, इनको हरा कर इन्होंने ये खिताब जीता है। और ये फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो ये फाइनल जो हुआ एकल पुरुष 2018 का विमंडलन का, ये लंदन में आयोजित किया गया था, लंदन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी प्रश्न मिल गई, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न आपका ये है कि फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट जो कि फीफा जो हुआ फिलहाल में 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सी टीम रनअप रही? रनअप रहने का मतलब होता है कि दूसरे स्थान पर कौन सी रही? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया जो है वो दूसरे स्थान पर रही। तो भाई, पहले स्थान पर कौन सा रहा? आपको पता होगा कि इस जो फीफा विश्व कप 2018 हुआ इसमें फ्रांस ने जो जीत की, यानी कि प्रथम हासिल जो हुआ फीफा वर्ल्ड कप जो जीता है वो फ्रांस ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर फाइव नंबर प्रश्न इसका इस प्रकार है कि महिला क्रिकेट टीम का आंतरिम कोच चुना गया, यानी कि जो आंतरिम कोच है अब इनको किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पवार जो है इनको चुना गया। रमेश पवार किसका स्थान ग्रहण करेंगे? तो रमेश पवार जो है तुषार ओरोठे का स्थान ग्रहण करेंगे, जो कि वर्तमान में महिला जो आंतरिम कोच थी उनका जो स्थान ये ग्रहण करेंगे रमेश पवार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक कहाँ हुई? संयुक्त जो आयोग है उनकी आठवीं बैठक कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्कट, ठीक है, जो कि इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 जुलाई को भारत ओमान संयुक्त आयोग जो हुआ, भारत और ओमान के बीच संयुक्त आयोग वो 16 जुलाई को हुआ, और इसकी जो बैठक में हुई आठवीं बैठक उसमें जो कहाँ पर हुई? तो ये मस्कट में हुई। और इसमें भाग किसने लिया? सहाध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो ये हमारे सुरेश प्रभु जी थे, ठीक है। यहाँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए, सातवां नंबर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस देश ने हाल ही में अपनी सीमा पर 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की है, यानी कि अपने सीमा पर 60 दिनों की आपात स्थिति को घोषित की है, तो वो कौन सा देश है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पेरू जो है वो अपने सीमा पर 60 दिनों का आपात घोषित किया है। बात करें पेरू की राजधानी जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो पेरू की राजधानी जो होती है आपका लीमा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एट नंबर प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया, जो कि पाकिस्तान और चीन के बीच
पहला भूमि आधारित संचालन लिंक होगा। तो किसने इसका उद्घाटन किया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए, नसीरुल मुल्क जो है इन्होंने किया। ये जो कि पहले ये प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, लेकिन वर्तमान की बात करें अभी यानी कि सितंबर की, तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न आपका ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के हरित कवर को बढ़ाने के लिए पौधागिरी नामक एक अभियान को शुरू किया है। ये ध्यान रखना है, पौधागिरी अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा जो सरकार है इन्होंने पौधागिरी नामक एक अभियान को चलाया है जो कि राज्य में हरित कवर को बढ़ाने के लिए, यानी कि हरियाली को बढ़ाने के लिए इस योजना को, अभियान को शुरू किया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सितंबर 2018 में आयोजित होने वाली पहले पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश होगा, यानी कि जो सितंबर 2018 में पहले पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का समारोह होने वाला है, इसमें कौन सा देश जो होगा वो साझेदार देश के रूप में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस जो होगा वो साझेदार देश के रूप में होगा। और ये जो होगा यानी कि जो फिल्म होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, ये कब होगी, तो 26 सितंबर को ये आयोजित होगी जो कि पांडिचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। और इस जो उद्घाटन में, इस महोत्सव के उद्घाटन में संस्करण में फ्रांस के जो सिनेमा, कला और संस्कृति का केंद्रित होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर रिवीजन क्लास। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई डेली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।